हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र शर्मा इज हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा हम रिंग से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें रिंग में फाइट खेलने के लिए। आपको पता होगा जब भी हम रिंग में चढ़ते हैं तो हमारा मन बैठ जाता है, हम जैसे फाइट अपनी पास आने लगती है तो हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा। हम मन में घबराने लग जाते हैं कि यार फाइट में क्या होगा, फाइट का डिसीजन क्या होगा, तो हम बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। तो इस डर को दूर करते हुए हम क्या प्रिपेयर करें अपने आप में, इन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप टूर्नामेंट खेलने जाएं या फिर जब भी आपकी कोई प्रैक्टिस फाइट हो, फर्स्ट फाइट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मन में एक तो डर नहीं होना चाहिए। आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है उस पर फोकस करें अच्छे से कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है तो मैं कैसे हारूंगा। तो अपने आप पे फोकस करें और ध्यान रखें, जब भी आपकी फ़ाइट हो उससे पहले आप फ़ाइटों पे ध्यान मत दें। अगर आपको डर लगता है बहुत ज़्यादा तो आप फाइट वगैरह बाउट देखें ही मत, अपने वेट की देखो ही मत आप अपने वेट की फ़ाइट। जैसे आपकी फ़ाइट आने वाली हो तो उससे पहले अपने बॉडी को अच्छे से वार्म अप करें, शैडो बॉक्सिंग करें, पैडिंग करें, जॉगिंग रनिंग करें, बॉडी को थकाना भी नहीं है और अच्छे से वार्म अप करें। आपके पसीने आने लग जाने चाहिए थोड़े थोड़े, जिससे आप एक एडवांस बॉक्सर की तरह लगें और एक अच्छे से एग्रेसिव बॉक्सर लगें। तो हल्के से पसीने आने चाहिए, अच्छे से वार्म अप करें जिससे आप रिंग में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और जैसे आपकी फ़ाइट आने वाली हो उससे दो फाइट पहले आपको वार्म अप नहीं करना, अपने दो फाइट से पहले वार्म अप करना जितना कर लेना है, दो फाइट पहले आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है, अपने माइंड पे ध्यान लगाएं कि मैं क्या वर्क क्या करूँगा, मतलब रिंग में मुझे ऐसे अटैक करना है, राइट मारना है, साइड स्टेप लेके राइट हुक मारना है। अपने ओपोनेंट का सोचें, अगर मेरे से लंबा हुआ तो मुझे ऐसे खेलना है, छोटा हुआ तो ऐसे खेलना है, उस चीज़ पर फोकस करें। जो आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है उन चीज़ों पर फोकस करें, ना कि ये सोचें कि रिंग में क्या होगा। रिंग में क्या होगा वो तो आप जैसा परफॉर्म करोगे वही होगा, बट इस चीज़ को नहीं सोचें। आप ये सोचें कि अगर मुझसे लंबा बॉक्सर हुआ तब मैं क्या करूँगा, तो मुझे हल्का सा वीविंग करते हुए अंदर की तरफ जाके अटैक करना है, आगे से अटैक करना है, कॉम्बिनेशन बच्चों का अटैक। अगर मुझसे छोटा बॉक्सर हुआ तो मैं दूर दूर से लेफ्ट 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 करके जैसे मेरे क्लोज आएगा तुरंत राइट मार दूंगा, मेरे को राइट हुक कैसे सेट करना है लेफ्ट का। तो अपना जो वर्कआउट है इस पर बिल्कुल शांत दिमाग से फोकस करें। फिर जैसे ही आप फाइट की तरफ जाएं, रिंग में चढ़ें, तो वहाँ सब कुछ अपना जितना भी डर है सब भुला दें। बस ये सोचना है कि मुझे अब रिंग में मेरा 100% देना है, जो मैंने परफॉर्म किया है, जितने भी मैंने प्रैक्टिस परफॉर्म करी है उन सब चीज़ों को मेरे को रिंग में परफॉर्म करना है। तो रिंग में एग्रेसिव बॉक्सर की तरह चढ़ें, अपने हेड को मूवमेंट करें, जंप वगैरह करें अच्छे से, और फिर जैसे ही जाएं और जाते अपने अटैक करना अच्छे से प्रॉपर देखें बॉक्सर किस तरीके का, और अटैक करें, डिफेंस करें, अपने गेम को इम्प्रूव करें। और डेली आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें, जिससे क्या होगा आपका माइंड सेट होगा, आप एक जगह फोकस कर पाओगे, एक जगह ध्यान लगा पाओगे। तो डेली मॉर्निंग में वर्कआउट के बाद, मॉर्निंग में जब भी आप वर्कआउट करें तो वर्कआउट के बाद 5 से 10 मिनट खुद को मेडिटेट करें, फोकस करें, एक जगह ध्यान लगाएं, जिससे आपका क्या होगा माइंड सेट होगा, जो डर लगता है वो दूर होगा। फाइट से पहले हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे तो फाइट में हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। तो अब क्या करना है, फाइट से पहले कभी भी डरना नहीं है, ये नहीं देखना कि उसके डोले इतने मोटे हैं, उसके तो कट भी आ रहे हैं, इन चीज़ों पे नहीं देखना, उसकी शैडो बॉक्सिंग इतनी अच्छी है, तो इन सबको अवॉइड करें। क्योंकि हम जब रिंग में खेलते हैं तो हमें पता होता है हम कितनी प्रैक्टिस करके आए हैं और ओपोनेंट कैसा है, अपने आप जब हम खेलते हैं उस चीज़ का तभी पता लगता है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है लंबा है छोटा है कैसा है, मतलब ये चीज़ देखनी है आपको। गार्ड बनाए, अपने अटैक करें, फोकस करें अपने वर्कआउट के ऊपर, जो आपने वर्कआउट करा है उसको रिंग में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अपनी बॉडी को फास्ट बनाएं, अच्छे से वर्कआउट करें, और बाउट से पहले अच्छे से वार्म अप करें। क्योंकि कई बॉक्सर वार्म अप नहीं करते तो क्या करते हैं, वो रिंग में जैसे ही चढ़ेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, उनकी बॉडी उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी। तो बाउट से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छे से वार्म अप करें, फोकस करें, ऐसे अटैक करना है। और मेन चीज़, अगर आपको अभी कह रहा हूँ, अगर आपको डर लगता है तो आप अपने वेट की फ़ाइट मत देखो। आप क्या है कि इसको देख देख के ज़्यादा डरोगे, ऐसे आप फाइट देख रहे हो यार वो तो ऐसे खेल रहा था, फिर आपके मन में वही बात घूमती रहेगी, दिमाग में वही बात चलेगी, यार वो तो ऐसे मेरे वेट में तो ऐसे बॉक्सर हैं, इतने तगड़े बॉक्सर हैं, भले चाहे आप सबसे तगड़े आप ही हो, फिर भी आपके मन में बात चलेगी। अगर आप थोड़े बिगनर के साथ ही होता है, और बिगनर क्या, हम जब भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो किसी के साथ भी कैजुअल ऐसे हो जाता है, और बहुत जैसे एडवांस बॉक्सर हैं उनके साथ भी ऐसे हो जाता है
कईयों के साथ होता है, बस इस डर को अवॉइड करें और अच्छे से फोकस करें अपने वर्कआउट पे कि हमें अच्छे से वर्कआउट करना है और रिंग में अच्छे से परफॉर्म करना है। तो मेन चीज फोकस करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं कि आपको क्या करना है, और रिंग में चढ़ने से पहले अच्छे से वार्म अप करें, देख लें कि अपना ओपोनेंट रिंग में चढ़ेंगे जब आपको दिख जाएगा छोटा है बड़ा है, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके जाएं अपने आप को और रिंग में जाके अच्छे से परफॉर्म करें, अपना डर सारा दूर कर दें और फोकस करें अपने गेम के ऊपर। और जितना आप अच्छे से फोकस करके खेलोगे उतना ही आपका गेम इम्प्रूव होता चला जाएगा, उतना ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फॉर मोर कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।